चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्यूबनेटिस का अगला टॉपिक। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में क्यूबनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना मिनी क्यूब टूल के थ्रू सिंगल नोड के ऊपर हमने करके देख लिया था। इसी तरीके से हमने क्यूब एडीएम टूल का इस्तेमाल करके वीएम के ऊपर भी हमने क्लस्टर सेटअप करना देख लिया था। आज दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आप लोगों से कि कुबरनेटिस का जो क्लस्टर सेटअप है वो एजोर क्लाउड के ऊपर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो कुबरनेटिस का जो क्लस्टर सेटअप है एजोर क्लाउड के ऊपर दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला तरीका होता है कि मैनुअली सारा का सारा सेटअप आप मैनुअली लगाएं। दूसरा तरीका है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का, जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर आपको प्रोवाइड करता है, AKS, एजोर कुबरनेटिस सर्विस। तो पहले बात कर लेते हैं मैनुअल का, फिर बात करेंगे AKS के बारे में। तो मैनुअल में ये होता है दोस्तों कि अगर आपको अपना क्लस्टर सेटअप करना है एजोर क्लाउड के ऊपर, तो आप एजोर क्लाउड के ऊपर लॉगिन कर लीजिए पोर्टल को, और आप क्या करिए अपना वीनेट क्रिएट करिए। वीनेट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से नेटवर्क रेंज दे दीजिए, फिर सबनेट क्रिएट कर लीजिए, फिर आप वीएम्स खुद बना लीजिए, उन वीएम्स को आपस में कम्युनिकेट कर लीजिए। उसके बाद फिर आप उस पर क्यूब एडीएम, क्यूब सीटीएल, क्यूब लेट, डॉकर्स वगैरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। फिर उसके बाद आप क्या करें, क्यूब एडीएम टूल के थ्रू क्लस्टर सेटअप कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको इन नोडों की हाई अवेलेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी बनानी है, तो लोड बैलेंसर लगा लें, ऑटो स्केलिंग लगा लें, मॉनिटरिंग देख लें, मॉनिटरिंग सेटअप कर लें, डीएनएस सेटअप कर लें। तो एक तो तरीका ये हो गया एजोर क्लाउड के ऊपर जाके कुबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करना। तो अगर हम इस तरीके को देखें तो ये सब कुछ मैनुअली है, सिर्फ पूरा का पूरा आप इंफ्रा खुद लगा रहे हैं। हाँ, फिजिकल इंफ्रा नहीं है लेकिन वर्चुअली है, लेकिन सब कुछ आपको खुद मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, उसी तरीके से हो गया जैसे आपने क्यूब एडीएम के थ्रू वीएम पे किया था ना। लेकिन हम मैनुअल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आज AKS के बारे में। तो कई कंपनियां जो होती है, मैंने आपको बताया भी था कि एजोर क्लाउड के ऊपर जब वो क्लस्टर लेते हैं तो लोग AKS को यूज करते हैं, राइट। AKS बोले तो एजोर क्यूबरनेटिस सर्विस, बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आप AKS के डैशबोर्ड में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे एक क्लस्टर दे दो 3 नोड का, राइट। तो आपको एक 3 नोड का क्लस्टर दे देगा, 4 नोड बोलेंगे तो 4 नोड का क्लस्टर दे देगा, 5 नोड बोलेंगे तो 5 नोड का क्लस्टर दे देगा, और इसी तरीके से मैक्सिमम 100 नोड तक का एक क्लस्टर आपको दे देते हैं। इसी तरीके से आप बोलेंगे भाई ये जो क्लस्टर आप में दे रहे हो, अगर इस पे लोड बढ़े तो इसकी नोड की ऑटो स्केलिंग, तो खुद ऑटो स्केलिंग कर देंगे। आप उन नोड की जो IP सेटिंग है वो अपना वीनेट वगैरह डिजाइन करके आप सेट करते हैं, वो भी आप वो वीनेट इंटीग्रेशन भी वो लोग कर देंगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको कुछ नहीं करना होता है। AKS में आप गए और डैशबोर्ड में आपने क्लिक क्लिक किया, जितना नोड मांगा उतने नोड का बैकएंड में वो क्लस्टर लगाकर आपको दे देंगे और बोलेंगे ये लीजिए डैशबोर्ड। ठीक है, अब आप इस पे काम कैसे करेंगे। तो क्लस्टर सेटअप आपका हो गया, अब आप इस क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप से। कैसे करेंगे, मान लीजिए मेरा लैपटॉप है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने लैपटॉप में जाना है और एजोर CLI सॉफ्टवेयर होता है, एजोर वाले देते हैं, उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसके बाद मुझे क्या करना होता है कि अपने सिस्टम को अथेंटिकेट कर लूंगा इस एजोर के साथ, ठीक है ना। जैसे अथेंटिकेट कर लूंगा देन उसके बाद मैं अपने सिस्टम पर इस क्लस्टर को एक्सेस कर लूंगा। अपने सिस्टम पे बैठ के मैंने इस क्लस्टर को एक्सेस किया और देन उसके बाद मैंने सारी की सारी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी। जो भी डिप्लॉयमेंट करूंगा वो बैकेंड में, AKS के बैकेंड में जो क्लस्टर लगा हुआ है वहां पे जाने वाला है, लेकिन उस क्लस्टर की मैनेजमेंट मैं नहीं देख रहा, एजोर की टीम देख रही है। तो मैं यहां पर सिर्फ फोकस करूंगा अपनी डिप्लॉयमेंट पे, मैं सिर्फ फोकस करूंगा अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए बस, ठीक है। तो क्लस्टर सेटअप होने के बाद का जो टास्क होता है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा टास्क जो होता है वो कुबरनेटिस का बंदा कर रहा होता है, राइट। तो क्या क्या टास्क होता है आप सबको पता है कि नेम स्पेस हो गया, रेप्लिका सेट हो गया, रेप्लिका कंट्रोलर हो गया, कॉन्फिग मैप हो गया, इनिट कंटेनर हो गया, लोड बैलेंस, ये सारी चीजें फिर आगे की होती हैं। इसी तरीके से एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, एजोर जो AKS आपको दे रहा है ना, आपको बोलते हैं एजोर कि आप इस AKS को ना ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब कि
कि मैं इस AKS को अपने GitHub अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये चीज़ हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, GitHub अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मेरा डेवलपर GitHub में सोर्स कोड रखे और मैंने यहाँ पर एक पाइपलाइन बना दी, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होता चलेगा। इसी इसी के साथ साथ आप AKS को एजोर की जो रेप एजोर का जो एजोर डेवॉप्स सर्विस है आप उसके साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही एडवांटेज है दोस्तों। एजोर डेवॉप्स आप प्रोजेक्ट बनाएं और उसको AKS के साथ इंटीग्रेट कर लें। जो भी आप एजोर डेवॉप्स में कर रहे हैं सारा का सारा एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की तरह डिप्लॉयमेंट आपका AKS के ऊपर हो रहा है, तो काफी अच्छा है दोस्तों ये। लेकिन एक चीज मैं आपको और क्लियर करके देना चाहता हूं कि AKS जो है ना ये उन बंदों के लिए यूजफुल है, ये उन बंदों के लिए अच्छा है, या ऐसा बोलो ये AKS उन बंदों को बेटर तरीके से समझ में आता है जो बंदे ऑलरेडी क्यूबरनेटिस को कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो AKS में क्या है, AKS में सिर्फ आप एक क्लस्टर लगा रहे हो, राइट, मतलब सेटअप कर रहे हो, क्लस्टर लग गया आपको, उसकी मैनेजमेंट ऑटो स्केलिंग वगैरह आप कर रहे हैं, बाकी फर्दर जो डिप्लॉयमेंट है वो तो भाई सारा का सारा क्यूबरनेटिस का ही सिलेबस है। तो ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बंदे मेरे को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और कहते हैं सर आप एजोर के कैरिकुलम में AKS कवर कर रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। तो जहां तक कि मैंने ये चीज R&D किया और मैंने विजुलाइज किया इस चीजों को कि उन बंदों के दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर आप एजोर के सिलेबस में AKS कवर करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम एजोर सीख जाएंगे, सॉरी कुबरनेटिस को सीख जाएंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप AKS टॉपिक को कवर करके कुबरनेटिस नहीं सीख सकते, ये बात ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। और AKS आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको कुबरनेटिस आता है। अगर आपको कुबरनेटिस नहीं आता तो आप AKS में सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, क्लस्टर सेटअप लगा दिया, रेडी कर दिया और आपने कुबरनेटिस टीम को जो कुबरनेटिस पे ऑपरेशंस वर्क करने वाले बंदे उनको हैंडओवर कर दिया, बोला ये लीजिए भाई आपका क्लस्टर, इतना ही आपको समझ में आएगा, आगे की चीजें आपके दिमाग में नहीं घुसने वाली। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सब बंदों से, जो भी बंदे AKS को डायरेक्टली पढ़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप AKS को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप पहले कुबरनेटिस को कंप्लीट करें। अगर आपको कुबरनेटिस कंप्लीट नहीं है तो AKS करने से कोई फायदा नहीं, एक यूजलेस नॉलेज है, आप इंटरव्यू में जाके फंस जाएंगे। क्लियर? तो पहले आप कुबरनेटिस करें, देन उसके बाद AKS को यूज करें तो ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है? बट क्या करें, यहां पर हमारी जॉब है AKS को भी कवर करना, क्योंकि जो बंदे को कुबरनेटिस आता है राइट, उन्हें अगर ऐसा कहा जाए कि भाई क्लस्टर सेटअप करना है एजोर के ऊपर AKS के थ्रू, तो उनके लिए ये ज्यादा यूजफुल है। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं बंदों के लिए है जिन्होंने कुबरनेटिस को पढ़ रखा है और अब वो क्लस्टर सेटअप AKS एजोर पे आके AKS के थ्रू करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है, राइट? उन बंदों के लिए भी है, थोड़ा सा उनको एक फ्यूचर समझ में आ जाएगा, जो एजोर को पढ़ रहे हैं उनको ये फ्यूचर समझ में आ जाएगा। चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में। तो ये हमारा एजोर पोर्टल पे लॉगिन है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां जाना है, ऑल सर्विस में जाना है, कंटेनर्स पे जाना है, कुबरनेटिस सर्विस पे जाना है। देखिए यहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए किस तरीके से बनाया जाता है, तो लर्न मोर में क्लिक करिए, ये देखिए डॉक आपके सामने ओपन हो जाएगा, साफ साफ बता रहा है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं आप लोग यहां पर। तो मैं भी यहां पर गया और क्रिएट कुबरनेटिस सर्विस में क्लिक किया, देन यहाँ पर आप अपना रिसोर्स ग्रुप एक क्रिएट कर लें। तो मैंने क्रिएट रिसोर्स ग्रुप किया और रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने ले लिया क्लाउड नॉलेजेस AKS, परफेक्ट। उसके बाद क्लस्टर का नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैं क्लाउड नॉलेजेस, AKS, परफेक्ट। रीजन यहाँ पर ले लेता हूँ मैंने ईस्ट US और यहाँ पर मैं वर्जन ले लेता हूँ, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मैसेज आपको दे रहा है कि अगर आप ये क्लस्टर सेटअप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 नोड आप लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है द नंबर एंड साइज ऑफ नोड इन द प्राइमरी नोड पूल इन योर क्लस्टर फॉर प्रोडक्शन वर्कलोड एटलीस्ट 3 नोड आर रिकमेंडेड फॉर डेवलपमेंट और सॉरी फॉर प्रोडक्शन के लिए आपको रिकमेंडेड कर रहा है। और साफ साफ कह रहा है कि अगर आप डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए तो ओनली 1 नोड इज रिक्वायर्ड, सफिशियंट है। तो ध्यान रखिएगा अगर आप डेवलपमेंट या टेस्टिंग के लिए तो 1 नोड सफिशियंट है, अगर आप प्रोडक्शन के लिए तो आपको 3 नोड लेके कम से कम चलना है।
हालांकि आप इसको अब नोट का जो साइज होगा आप साइज यहां पे देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं नोट का साइज। तो चेन साइज में क्लिक करके आप अपना नोट का साइज ले सकते हैं कि बैकेंड में जो नोट मिले उसका साइज क्या होना चाहिए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रैम, ठीक है मैं अभी जो है वही रख रहा हूँ। ऐसे काउंट नोट की काउंटिंग कर सकते हैं कि बैकेंड में जो क्लस्टर है कितने नोट का मिले। तो देखिए मैक्सिमम 100 तक जा रहा है, लेकिन आपका फ्री टीयर का अकाउंट है, ये जो अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री टीयर का है, तो मुझे 100 नोट नहीं मिलेगा, मुझे 2 नोट मिलेगा बस, ठीक है। तो 2 नोट भी ये मुझे नहीं दे रहा। मैक्सिमम नोट काउंट यू कैन सेलेक्ट इज 1 ड्यू टू रिमेनिंग कोटा। तो मेरे पास कोटा नहीं है तो मैं यहाँ पर एक ही नोट ले रहा हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें। अब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो देखिए एक नोट पूल बना, ठीक है, और उसके अंदर ओएस टाइप लिनक्स है और नोट काउंट यहाँ पर 1 है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी नोट पूल यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये नोट पूल का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या, देखिए कि अगर मैंने ये क्लस्टर लिया, ठीक है ना, तो अब इस क्लस्टर के अंदर मैं नोट पूल बना सकता हूँ। जैसे एक नोट पूल ये हो गया, एक नोट पूल ये हो गया। अब इस नोट पूल के अंदर मैंने 10 नोट रख लिया, इस नोट पूल के अंदर मैंने 20 नोट रख लिया फॉर एग्जांपल। अब एक और बेनिफिट है, इस नोट पूल के अंदर जो नोड है वो लिनक्स बेस है, इस नोट पूल के अंदर जो नोड है वो विंडोज बेस है। तो देखिए सेग्रीगेट कर लिया मैंने, एक ही क्लस्टर के अंदर विंडोज बेस नोड भी है और लिनक्स बेस भी है। ऐसे एक और यूज केस बताता हूँ। मान लीजिए ये क्लस्टर है, अब होता है इस क्लस्टर में 2 प्रोजेक्ट हमें लगाना है, तो हमने एक प्रोजेक्ट को एक नोट पूल में रख दिया और एक प्रोजेक्ट को एक नोट पूल में रख दिया, तो एक आइसोलेशन हमने प्रोवाइड कर दी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऐड नोट पूल करते हैं तो देखिए यहाँ पे नोट पूल का नाम और बता सकते हैं कितना चाहिए। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, एक ही नोट से यहाँ पे मेरा काम चलेगा। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे वर्चुअल नोड। अब यहाँ पे वर्चुअल नोड का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लिखा है, वर्चुअल नोड अलाउ ब्रस्टेबल स्केलिंग बैकेंड बाई द सर्वरलेस एजोर कंटेनर इंस्टॉल। वर्चुअल नोड का मतलब ये हुआ कि आप सबको पता है कि जब हम कुबेरनेटिस क्लस्टर के अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट करते हैं वो सारा का सारा डिप्लॉयमेंट पॉड के अंदर आता है। तो कह रहा है कि पॉड की ऑटो स्केलिंग चाहिए क्या आपको, तो अगर आपको पॉड की ऑटो स्केलिंग चाहिए तो आप इनेबल कर दीजिए, तो पॉड की ऑटो स्केलिंग हो जाएगी, है ना। अब इसका बेनिफिट क्या है पॉड की ऑटो स्केलिंग का, पॉड की ऑटो स्केलिंग का बेनिफिट ये कि मान लीजिए आपका ये क्लस्टर है उसके अंदर एक नोड पूल है। अब इस नोड के अंदर देखिए 2 नोड है, ठीक है ना। अब मान लीजिए इस नोड के अंदर एक पॉड बना है, उस पॉड के अंदर लोड बढ़ रहा है, ठीक है, तो लोड बढ़ रहा है तो ये नोड की ऑटो स्केलिंग नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इस नोड के अंदर अगर स्पेस अवेलेबल है तो पॉड की पहले ऑटो स्केलिंग करेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट है, ये सारी टर्म्स उन बंदों को समझ लग रहा होगा जो बंदे कुबेरनेटिस को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। इसी तरीके से वीएम स्केल सेटअप भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। उसके बाद नेक्स्ट करिए, तो देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन मेथड है कि आप क्लस्टर को किस वे से ऑथेंटिकेट करेंगे, ये बेसिकली एजोर सिक्योरिटी का पार्ट है, तो इसे मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब हम एजोर सिक्योरिटी को कवर करेंगे तब ये चीज डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। अब देखिए नेटवर्किंग, तो कह रहा है कि भाई आपका जो क्लस्टर सेटअप होगा वो किस नेटवर्क पे जाना चाहिए, तो आप अपना कस्टम नेटवर्क भी दे सकते हैं, है ना, आप अपना वी नेट बना लें और यहाँ पे लाके डिफाइन कर दें, ठीक है। अब देखिए क्लस्टर सबनेट, बैकेंड में जो क्लस्टर बनेगा उसको किस सबनेट में से आईपी मिलेगी, इस सबनेट में से, ये बाय डिफॉल्ट है, आप खुद क्रिएट कर लें, ठीक है। वर्चुअल नोड सबनेट देख सकते हैं यहां पर, वर्चुअल नोड बोले तो पॉड की क्या, पॉड को जो आईपी मिलेगी वो कुछ सबनेट से मिलेगी, ये वो है, वो बता रहा है आपको ये। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कुबेरनेटिस सर्विस एड्रेस रेंज, देखिए सर्विस एड्रेस रेंज, तो आप सबको पता है कि एक पॉड को दूसरे पॉड से कम्युनिकेट करने के लिए आप सर्विस एड्रेस को यूज कर रहे होते हैं। ये भी टर्म सुनी बंदों को समझ लग रही होगी जो बंदे कुबेरनेटिस को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ऐसे कुबेरनेटिस डीएनएस सर्वर आईपी रेंज और डॉकर ब्रिज नेटवर्क रेंज ये दिया है। इसी तरीके से आप क्लस्टर को प्राइवेट रखना चाहते हैं या पब्लिक, तो इनेबल कर दे तो प्राइवेट हो जाएगा, मैं अभी डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी इसको बाहर से भी एक्सेस करूंगा। नेटवर्क पॉलिसीज, जो पॉड नेटवर्क बने उसकी पॉलिसीज आप बता सकते हैं यहाँ पे, देखिए कैलिको या एजोर। इसी तरीके से HTTP एप्लीकेशन राउटिंग, ठीक है, तो आप इसे HTTPS भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से आप नेक्स्ट कर दें, अगेन नेक्स्ट कर दें और क्रिएट कर दें। तो जैसे ही आपने इसको क्रिएट किया तो ये पहले वैलिडेशन करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया वो करेक्ट है या नहीं है।
डन, तो मैं इसको क्रिएट में क्लिक कर देता हूं। तो सबमिट डिप्लॉयमेंट, तो काफी टाइम लेता है ये, 8 से 10 मिनट ले लेता है। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। तो जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों डिप्लॉयमेंट हो गया, तो चलते हैं फिर हम लोग। यहाँ क्लिक करिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर बता रहा है कुबरनेटिस का वर्जन, इसी तरीके से एपीआई सर्वर का एड्रेस, और इसी तरीके से अगर आप नोड पूल में आ जाए, तो अगर आप नोड पूल में आते हैं, देखिए यहाँ पे नोड पूल है और देखिए वर्जन है, तो आप वर्जन में अगर क्लिक करें तो आप फ्यूचर में अगर कोई नया वर्जन आया तो आप इसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। पता है देखिए कोई भी वर्जन अगर फ्यूचर में है तो आप उसे अपग्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर में अगर कुबरनेटिस का नया वर्जन आया तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, या अगर आप लोअर वर्जन लिए होते तो ये अपग्रेड करने देता, लेकिन अभी जो वर्जन है वो अपग्रेड है इसलिए आप आगे ऑप्शन नहीं दे रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाएं, देखिए यहाँ पर स्केल आप कर सकते हैं ना, आप बढ़ा सकते हैं, जैसे नोड 1 है तो आप इसे स्केल कर सकते हैं। देखिए अभी अलाउ नहीं है हालांकि कोटा में, तो देखिए मैनुअल स्केलिंग भी है और ऑटो स्केलिंग भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों देखिए ऑटो स्केलिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ऐसे और भी आप ऐड नोड पूल कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए यहां पर स्केल का ऑप्शन यहां पर भी आपको आ रहा, नेटवर्किंग का ऑप्शन आ रहा। इसी तरीके से देखिए डिप्लॉयमेंट सेंटर, तो जो मैं आपको डिप्लॉयमेंट बता रहा था, तो आप इस एकेएस के ऊपर डिप्लॉयमेंट सेंटर आप यहां पे चूज कर सकते हैं। देख सकते हैं एजोर, डेवॉप्स, गिटहब, बिट बकेट, ये सारी चीजें आ रही हैं यहां पर। तो इसी तरीके से ये चीजें हम बाद में देखेंगे किस तरीके से ये करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई इस क्लस्टर को एक्सेस करते हैं और इसके अंदर देखते हैं भाई कितने नोड मिले और कोई डिप्लॉयमेंट कैसे, कोई पॉड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं एक बार हम लोग। तो सबसे पहले बात आती है इस क्लस्टर को एक्सेस करना, तो इस क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है देखिए यहाँ पर ओपन है, कह रहे हैं इस क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए आप देखिए एजोर का क्लाउड सेल ओपन कर लीजिए, वहां से कर सकते हैं, या फिर मैं अपने लैपटॉप में एजोर सीएलआई इंस्टॉल करके इंटीग्रेट कर लूँ इस अकाउंट को और वहां से कर सकता हूँ। तो ये भी चीज हम लोग करके देखेंगे। अभी हम लोग इस क्लस्टर को एक्सेस करने के लिए एजोर का जो क्लाउड सेल है वहीं से करेंगे। तो क्लाउड सेल कैसे ओपन करेंगे, यहां पर क्लिक करिए, देखिए ये आइकन है यहां पर क्लिक करिए, डन। और जैसे ही ओपन हो गया मैं इसको यहां पर क्लिक करूंगा तो एक अलग से पूरा का पूरा कंसोल ओपन हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्लस्टर का क्रेडेंशियल लेना पड़ेगा, उसके लिए देखिए यहां पर इसने बताया किस तरीके से क्रेडेंशियल आप लेते हैं। तो देखिए क्रेडेंशियल लेने की कमांड इसने बताया एजेड एकेएस गेट क्रेडेंशियल, रिसोर्स ग्रुप का नाम और आपके क्लस्टर का नाम। तो मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और नोट पैड में चलता हूं, इसको पेस्ट कर लेते हैं। और मेरे रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने क्या रखा था, क्लाउड नॉलेज एकेएस, तो मैं वही यहां पर डिफाइन कर देता हूं एकेएस। डन, क्लियर। अगर मैं बिना क्रेडेंशियल लिए अगर यहां पर मैं कमांड चलाता हूं जैसे क्यूब सीटीएल गेट नोट्स, तो ये मुझे एरर दे देगा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए। तो मैं यहां पर जो क्रेडेंशियल यूआरएल मैंने लिख बनाया ये एड्रेस, इसको यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं, डन। तो यस ओवरराइट करने के लिए बोल रहा है क्योंकि ऑलरेडी पहले भी मैंने कर रखा है, डन। उसके बाद मैं यहाँ पर क्यूब सी टी एल गेट नोट्स करता हूँ, तो देखिए ये नोड आ गया मेरे पास, परफेक्ट। इन नोड की आईपी देखना चाहें तो आप माइनस वो वाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे अपनी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दें, राइट। तो अब इसके बाद का जो काम है हो रहा है ना दोस्तों, ये कुबरनेटिस इंजीनियर का है। तो इसके बाद अब मैं जो करूंगा सब ये उन्हीं को समझ लेगा कि जो बंदे कुबरनेटिस को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं।
तो अब मैं एक पॉड बना के आपको दिखाता हूँ, क्यूब सीटीएल रन, पॉड का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया लीजिए वेब हाइफन सर्वर, हाइफन हाइफन इमेज दे दिया मैंने एंजिनिक्स। तो अब मैं यहां पर क्यूब सीटीएल गेट पॉड्स करता हूं, तो देखिए मेरा एक पॉड बन रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग में है, डन, देखिए बन गया, क्लियर। क्यूब सीटीएल गेट ऑल करता हूं, तो देखिए पॉड के साथ साथ उसने रेप्लिका सेट भी बनाया और डिप्लॉयमेंट भी बनाया, राइट। इसको डिलीट करना है, तो क्यूब सीटीएल डिलीट, डिप्लॉयमेंट को मैं डिलीट कर देता हूं, डिप्लॉयमेंट का नाम वेब हाइफन सर्वर। ये सारी कमांड उन्हीं को समझ लग रही है दोस्तों जो बंदे कुबरनेटिस पढ़ रखे हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। डन, डिलीट हो गया। तो अब मैं गेट ऑल करता हूं, तो मेरे पास यहां पर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक रियल एप्लीकेशन इसके ऊपर डिप्लॉयमेंट करके दिखाता हूं यामल फाइल से। तो उसके लिए आप इस डॉक में आ जाएं, और इसने दिया है देखिए ये यामल फाइल लिखा हुआ है जो काइंड ऑफ डिप्लॉयमेंट है, इसके अंदर डिप्लॉयमेंट भी है, कंटेनर भी है, पॉड भी है और सर्विस भी बनेगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट ये पूरा का पूरा डिप्लॉयमेंट फाइल है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, और ये चीज़ें उन्हीं बंदों को समझ लग रहा होगा जो बंदे कुबरनेटिस को ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप यहाँ से कॉपी करता हूँ और एक यामल फाइल यहाँ पे बनाया मैंने, क्लाउड डॉट यामल, और यहाँ पर गया मैंने और इसको पेस्ट किया, देन उसके बाद इसको सेव किया, और चुपचाप से मैं क्या करता हूँ, क्यूब सी टी एल अप्लाई माइनस एफ क्लाउड डॉट यामल। तो इस यामल फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा, डन। उसके बाद में यहां पर मैं क्यूब सी टी एल गेट ऑल करता हूं, सॉरी गेट पॉड करते हैं पहले, डन। तो देख सकते हैं यहां पर क्रिएट हो रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग, और ये जो डिप्लॉयमेंट मैं कर रहा हूं इसके अंदर कॉन्फ़िगर क्या होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये चीज मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन, देखिए ये एप्लीकेशन मुझे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो अभी ये कंटेनर क्रिएटिंग मोड में है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि इमेज वगैरह पुल कर रहा होगा, डन। इसी तरीके से अब मैं इसको बाहर से एक्सेस करना चाहूँ तो गेट सर्विस करता हूँ, तो इसने सर्विस भी बना के मुझे दिया है, देख सकते हैं ये, देखिए सर्विस, ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। तो अब मैं इस सर्विस की, ये पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर मैं हिट करता हूँ, तो देखिए ये मुझे एक्सेस हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर एजोर वोटिंग एप्स। तो ये जो एप्लीकेशन है कहाँ पर कॉन्फिगर हुई, ये आपकी AKS के अंदर जो आपने क्लस्टर बनाया है उसके अंदर कॉन्फिगर हुआ है, राइट। इसी तरीके से इसे डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, क्यूब सीटेड डिलीट माइनस एफ, इस यामल फाइल को आप डिलीट कर दें, तो जो भी प्रोविजनिंग थी वो पूरी डिलीट। तो डिलीट हो रहा है, डन, हो गया। अब मैं अगर यहां पर क्यूब सी टी एल गेट पॉड्स करूं तो देखिए गायब हो गया, और देखिए टर्मिनेटिंग मोड में भी है और ये भी बंद हो जाएगा। तो ये क्लस्टर डिलीट नहीं हुआ है, जो मैंने डिप्लॉयमेंट किया था वो उड़ गया, राइट। अगर क्लस्टर डिलीट करना तो उसके लिए क्या है, उसके लिए नीचे आइए, देखिए साफ साफ आपको नीचे यहाँ पे स्टेप बताएगा, अगर आपको क्लस्टर डिलीट करना है तो उसके स्टेप क्या है, देख सकते हैं, कह रहे डिलीट द क्लस्टर, ये कमांड चला दीजिए आपके क्लस्टर डिलीट हो जाएगा। आप ये कमांड यहां से कॉपी करें और नोटपैड में जाएं, यहां पे पेस्ट करें, तो यहां पे अपना रिसोर्स ग्रुप का नाम बता दें, क्लाउड नॉलेजेस AKS, ये लीजिए यहां पे क्लस्टर का नाम बता देते हैं, और ये हाइफन हाइफन नो वेट। तो ये कमांड अगर मैंने यहां से कॉपी किया और कॉपी करके अगर मैं यहां पे पेस्ट कर दूं तो मेरा क्लस्टर, सॉरी
मेरा क्लस्टर पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। आप ऐसा ग्राफिकल भी डिलीट कर सकते हैं, है ना, ये क्लस्टर आपने जो बनाया है आप कुछ ना करें यहां से आके डिलीट कर दें, ग्राफिकल भी डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसको कमांड लाइन डिलीट करके देखते हैं, अभी हम लोग देख सकते हैं यहां पर, तो ये जो क्लस्टर आपने प्रोविजन किया था AKS के थ्रू, ये रिमूव हो गया। तो अभी थोड़ी देर के बाद यहां से हो जाएगा गायब। राइट, थोड़ी देर के बाद ये यहां से हो जाएगा गायब। तो ठीक हो गया दोस्तों। तो इसी तरीके से अब आपको थोड़ा सा AKS के बारे में समझ आया होगा। इसी तरीके से हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि ये क्लस्टर जो हमने बनाया था इसको क्लाउड सेल से एक्सेस किया है, अब हम लोग देखेंगे कि अपने कंप्यूटर से कैसे एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इसको डिप्लॉयमेंट सेंटर गिटहब के थ्रू कैसे इंटीग्रेट करके डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो आई थिंक AKS के ऊपर 2-4 वीडियो जाने वाली हैं, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि AKS को पढ़ने से पहले आप लोग कुबरनेटिस को पढ़ लें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।